लिया मैंने, ऑर्डर किया अभी। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ हल्द्वानी। अभी भैया को बुला रखा है लेने के लिए, तो अभी वो आएगा थोड़ी देर में। वो पहुंच गया है और मैं यहाँ से पहुँचने वाली हूँ। देखो मेरा भाई आ गया यहाँ पे। अभी भी शर्मा के जाएगा। कब मेरे भाई जितने लोग भी सब शर्माते हैं ब्लॉग में आने। गाइस मेरे भाई लोग कोई नहीं आना चाहते मेरे ब्लॉग में, शर्मा रहे सबके सब। अभी पहुंच गए मेरा भाई लेने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। प्रणाम कौन करेगा? हाँ प्रणाम। आशीर्वाद मुझसे बड़ा लग रहा है लेकिन है मेरा नन्ना मुन्ना भाई, लेकिन मुझसे बड़ा दिख रहा है। अभी टाइम हो रहा है 6 और मैं 6 बजे उठी हूँ अभी। तो कल सीधे हम लोग ही आ गए थे मामा लोग के यहाँ, क्योंकि बहन लोग किराए में रहते हैं ना, तो फिर किराए वाले मकान में सही नहीं होता था रात को जाना, तो हम लोग सीधे यहीं आ गए थे। तो मैं अभी जब भैया ऑफिस के लिए जाएंगे तो मुझे छोड़ के जाएंगे, मैं वहीं जाऊँगी माँ गुड़िया लोग के वहाँ। तो मैं मिलाऊंगी सबसे, जो जो जब हम लोग रालम गए थे तब बहुत से लोग सब लोग साथ में गए थे, आप लोग ने देखा होगा। जब हम वापस आए नीचे, रालम से नीचे आ रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोग साथ में नहीं आए थे, तो थोड़ा सा वैसी सिचुएशन हो गई थी, कोई आगे कोई पीछे ऐसे आ गए थे, तो उस टाइम पे ना हम लोग अच्छे से मिले भी नहीं, तो मुझे बहुत याद आ रही थी। तो मैंने सोचा मेरी 2 दिन की छुट्टी है ही, तो मैं हल्द्वानी होके भी आ जाती और मौसी गुड़िया से मिल जाऊँगी, क्योंकि आते समय ना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था आते समय मिलना। तो मुझे मौसी लोग से और गुड़िया से मिल के ऐसा मतलब लग रहा है कि मैं रालम में ही, मतलब रालम वाली चीज़ें जो भी वो वापस रिपीट हो रहा है। बहुत मिस कर रही थी मैं उन लोगों को, और देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा होता है। वैसे मौसी और गुड़िया को पता है पर सिया को नहीं पता है, क्योंकि उसका आज है बर्थडे। तो हम मैं जाऊँगी सीधी अभी वहीं पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मेरे मामा लोग का घर और ये है मेरे मौसी लोग का घर, जो नया ही बना है, आजकल बन रहा है, अभी बना नहीं है प्रॉपर। तो हल्द्वानी में ठंडा हो रहा है, पहुँचा था इसको तो देखा ही होगा आपने बहुत बार मेरे ब्लॉग में। स्मार्ट मेरा भाई, मेरे भाई लोग स्मार्ट ही यार, इतने भी स्मार्ट ही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नज़र ना लग। तो भी हम लोग आए थे भैया मामा लोग को सामान देने के लिए, पृथ्वी को किसी को सामान देना था, तो मैं बाहर पर खड़ी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं। मैं सीधे उठ के ही आ रही हूँ, फिर हाथ में मैं वहीं धोऊंगी, क्योंकि भैया को जाना था ऑफिस, 8 बजे जाएगा और पृथ्वी मुझे लेने आ गया सुबह ही, तो मैं जाती हूँ अभी वहाँ, फिर देखते क्या क्या होता है आज। हेलो गाइस, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो। मैं सोचा था मैं गुड़िया को सरप्राइज दूंगी, लेकिन इतना गंदा है, इसने पहले ही बता दिया कि मैं आ रही हूँ। चल किचू किचू, नहीं मार गई, टू बैठे हैं।
तूने बहुत अच्छा वेलकम किया भौं भौं करके। मीन मिला अब रोने लग गया क्या? तो फ्रेंड्स ये देखो गुड़िया मेरी बहन प्रियंका, गालों में देखा होगा आपने इसको। गाइस मैं गोरी हो गई, ये काली हो गई थी बहुत ज्यादा मेरे तरह। तो ये बना रही नाश्ता, मैंने नहा भी लिया, नहाने के बाद सीधे किचन पे आई हूँ और मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या बना रहे हैं। तो प्रियंका बना रही है मैगी, दो मिनट में मैगी, दो मिनट कितना लग गया इसको पहले बता। मैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लोग बोलते हैं दो मिनट में मैगी बन जाता है, बट दो मिनट से ज्यादा लगता है, पाँच मिनट लगते हैं ना, लोग बोलते हैं दो मिनट से ज्यादा, मतलब दो मिनट में मैगी बन जाता है, बट मैंने तो अभी तक जितना भी मैगी बनाया है चार पाँच मिनट तो लगता ही लगता है, दो मिनट तो बनता भी नहीं है। कप नूडल्स में तो अभी प्रियंका बना रही है नाश्ता और बहुत ज़्यादा लोग नाश्ता खा रहे हैं, मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने बाल नहीं धोया, मैंने कल ही धोया था ना ये बाल। नाश्ता कर रहे चाचा लोग, आइए गाइस नाश्ता करिए। सीधे रालम से अब हल्द्वानी में देख रहे होंगे, ये देख मत दिखाओ यार इतने स्मार्ट हूं मैं कि व्यूज हो जाएंगे आपके। क्या खतरनाक डायलॉग मारते हैं, दोबारा बोल दो क्या हूँ बोला क्या बोला पहले दोबारा रिपीट करना उस चीज को। कुछ नहीं गलती हुई मुझसे माफ कर दो। चौहान फिजल क्या बोल। चाचा खा रहे नाश्ता, हम लोगों ने बनाया है अंडा ब्रेड और मैगी, मैगी अंदर बन रहा है। तो मुझे ये बता आज क्या क्या कहाँ कहाँ घुमाने ले जाएगा मुझे, दंग तपन वाला बता आज का क्या प्लानिंग है ये तो बता। आज का प्लान है आज कुछ स्पेशल मतलब कुछ करने वाले हैं ना। शाम का प्लान है आज का, मूवी देखने का प्लान है पहले और दूसरा, अब वो मत बताना वो लास्ट में बताएंगे वो सरप्राइज है। ठीक है बस मूवी देखने का प्लान है अभी तो, मतलब शाम को हम लोग मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। और चाचा लोग खा रहे नाश्ता, हम अभी थोड़ी देर में खाएंगे। गुड़िया लेके आ रही मैगी, ला दिखा राल याद ताजा है कि मैं दोबारा पहाड़ी क्या मुंशारी के मेरे इतने सब्सक्राइबर है भाई, मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स, उनको भी तो पहाड़ पता चलना चाहिए कि हम लोग मुंशारी से है ना, तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों से। हाँ क्योंकि इस बार रालम से आते समय हम लोग अच्छे से नहीं आए ना, कोई आगे पीछे, थोड़े लोग पहले आ गए थे, थोड़े लोग हम बाद में आए। जाते समय तो बहुत मज़ा आया, आते समय थोड़ा वैसे हो गया था दिक्कत, तो आप लोग को बताइए। तो उसके बाद मुझे बहुत याद आ रही थी मौसी लोगों की, तो फिर मैं आ गई हल्द्वानी। चाचा की भी याद आ रही थी ना, चाचा को तो चाचा की भी याद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं मिलने के लिए आ गई। दो दिन की छुट्टी मैं ऐसे वेस्ट नहीं करूँगी, तो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बड़े मौके पर आइए, सही बात सही पकड़े। ये देखो हमारा ब्रेकफास्ट, पापा देख रहे होंगे, ये अच्छे पापा जानते होंगे। बर्बाद हो जाता है दिल। अभी खरीदेंगे राखी,
अंदर राखी आ गई। हाँ है राखी। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ घर और ये है वो जहाँ हम आए हैं चाचा मेरे मम्मी लोग। चप्पल उड़ गया। यह ये लेटी है पूर्णिमा जी है। प्रणाम प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। और जितना निंजा हाँ मनान जो जी थे अच्छा जमाने। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारे चाचा लोग का घर बन रहा है। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग ही हो रही है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो मेरे मतलब बीच वाले पापा लोग का घर ये है, फिर सबसे छोटे चाचा लोग का घर ये बन रहा है। अभी अभी मैं मॉडल देख रही हूँ कैसा बना रखा है लोगों ने। अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी तो सब ऐसे ही हो रखा है। देखो ये शायद किचन है और ये हॉल टाइप का कुछ बना रखा है। अंदर वॉशरूम है, एक रूम है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी सब वो बांध रखा है। गुड़िया सिया को लेके आ गई है, मैं तो देखती हूँ उसका रिएक्शन कैसा होता है मुझे देख के। चुपके से जा रही मैं। हैप्पी बर्थडे मिल गई है। अच्छा नहीं लगा? अच्छा आज मेरा बर्थडे तो अपना फेस दिखा सकती है। ये मेरी सबसे छोटी मौसी का सबसे छोटी छोटी सी छुटकू सी बेबी है। छोटी नहीं अभी स्कूल से आई है ना, छोटी है लेकिन कितनी क्यूट है ना गोल गप्पू। हम इसको पहले बचपन में क्या बोलते थे बताए? छोटा हाथ नहीं छोटा हाथ नहीं भारती है, भारती की तरह रखती थी पहले। ये तो पतली हो गई है। ये क्या हो गया? हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से पैदल। अब हम लोग जाएंगे जाएंगे पैदल। गुड़िया लेके आएगी इसको आप। इसका बर्थडे। अब मुझे ये बता दीजिए कैसा लगा मेरा आना यहाँ पे? बहुत अच्छा। मतलब थोड़ा तो बता दे। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। अच्छा तो हम लोग जा रहे पैदल। ये आ रही पीछे वही खड़ी हमारी स्कूटी होगी पंचर। हम लोग जा रहे पैदल। आ जा आ जा आराम से लेके आ। ये देखो कैसे लेके आ रही है, आराम से लेके आ। ये देखो गुड़िया ने किसको बुला लिया भैया को। अब वो बनाने के लिए ले जाएंगे स्कूटी। हम इनकी स्कूटी में जा रहे हैं। चल अब वो लेके आएंगे पंचर। पंचर बना के लाएंगे बेचारा। दोस्त लोग होते ही ऐसे हैं। दोस्त लोग होते हैं। हल्का नहीं कर जा रही मां। टायर पंचर है क्यों? हल्का नहीं कर जा रही मां। टायर पंचर है क्यों? टायर पंचर हो नहीं मां। टायर फटी है। ये सब आए बाय बाय जल्दी आना। स्कूटी बनाने के लिए जा रहे हैं ना। ये पंचर हो गया स्कूटी। आपको बताया था मैंने। यस अभी हम पहुंच गए घर। तो मैं आपसे मिलते थोड़ी देर में। गुड़िया का क्यूटी पाई। मेरे को भी दे मेरे को भी दे। चिकन दे दे चिकन दे दे।